कि हमारे इस मजलिस में डेली पासवान रिपोर्टर अली जनाब नवीद पाशा साहब कोलार के और रौनक अली खान साहब ई सवेक न्यूज़ चैनल वाले और अली जनाब चांद पाशा साहब सी टाइम न्यूज़ वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबका यहाँ पर आना मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। आपको खुश आमदेद और मरहबा कहते हुए मैं तो ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनको हमारे सदरे जलसा जो मैम हैं नूर जहां मैम इन्होंने यहां इनको इनवाइट किया है बुलाया है तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके बुलाने पर ये यहां आए हैं तो मैं मैम का भी शुक्रिया अदा करता हूं और आए हुए इन न्यूज़ चैनल वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जलसा शुरू होगा तो ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم وعزيز سامعين اكرام और जलसे में आए हुए बच्चों के वालिदैन आज हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है इसलिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल का प्रेसिडेंसी स्कूल का सालाना इस्लामिक अरबिक जलसा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के अंदर बच्चों को असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है तो आज आप तमाम के सामने इंशाल्लाह वो बच्चे आकर पढ़कर सुनाएंगे बच्चों की हिम्मत अफजाई करें उनकी हौसला अफजाई करें। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान दुनिया से चला जाता है मगर उसके कुछ आमाल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मरने के बाद भी उसे उसका अजर व सवाब मिलता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने मस्जिद बना दी या मदरसा बना दिया तो जब तक वो मस्जिद रहेगी मदरसा रहेगा उनके इंतकाल के बाद भी उसका अजर व सवाब मिलता रहेगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने कुआं खुदवा दिया पानी का इंतज़ाम कर दिया जब तक उसमें पानी इस्तेमाल होता रहेगा मरने के बाद भी उसका पूरा अजर व सवाब उनको मिलता रहेगा। और फिर तीसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाई कि जिन बच्चों की तरबियत हुई होती है नेक साले औलाद माँ बाप औलाद अपने माँ बाप के हक में दुआएं करती हैं इसलिए फरमाया कि अपने बच्चों की सही तरबियत करें। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आकर पूछने लगे ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी की बेटी है तो अगर उसकी तरबियत करें तो क्या मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी की एक बेटी है और वो उनकी तरबियत करे उनको सही तालीम दे तो फरमाया उनके लिए जन्नत वाजिब है। दूसरे सहाबी पूछने लगे ऐ अल्लाह के नबी अगर किसी की दो बेटियां हो तो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उनकी सही तालीम व तरबियत करें तो उनके लिए भी जन्नत वाजिब है।
फिर तीसरे सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी अगर किसी के तीन बेटियां हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपनी औलाद की सही माने में दीन की फिक्र करता है, उनकी तालीम और तरबियत की फिक्र करता है, वो दुनिया से जाने के बाद भी उनके वो बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं, सवाब पहुँचाते हैं। तो बुजुर्गान मोहतरम, हाजरीन जलसा, हमारे स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंसी स्कूल में असरी तालीम के साथ दीनी तालीम का भी माकूल इंतज़ाम है, वहाँ बच्चों की ईमान की हिफाजत की फिक्र की जाती है। मेरा बयान तो नहीं है, बस मुझे मुख्तसर वक्त दिया गया था। सबसे आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत करना चाहिए, और जो भी अल्लाह ताला ने हमारे मुकद्दर में लिखा है बेशक खुदा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो अल्लाह की ज़ाती पर कभी यकीन रखो, कामयाब मेहनत को अपनी जिंदगी का एक जीना बनाओ और झूठ से बचकर चलो, नेकी की राह में आगे बढ़ो, तो अल्लाह ताला जो है कामयाबी आपके हाथों में निछावर कर देंगे, और हर मामला हर लम्हा हर पल अल्लाह के सुपुर्द करते रहो तो अल्लाह ताला आपका मुहाफिज होगा और दुनिया की कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मेरी जिंदगी का मकसद बस यही रहा, अल्लाह को छोड़कर कोई काम ने मैं किया ही नहीं, अल्लाह की मर्जी के बगैर मैं गई नहीं, जो भी किया अल्लाह को सामने रखकर किया। आज जो प्रेसिडेंसी जिसने भी एहसान किया अल्लाह की जात के ऊपर हमारे साथ, उनके एहसानों को हमने कभी भुला ही नहीं, हर सांस का लामा उनके वास्ते हमारी दिल से दुआ होती रही। मैं अपने वालिदैन से बस इतना ही गुजारिश करूंगी कि मेरी माँ सबसे पहले अपने बच्चों को खुदा की जात के ऊपर भरोसा करना सिखाओ, नमाज के आदि बनाओ, झूठ से बचाओ, दुनिया की जिंदगी चंद दिन की है, आखिरत की जिंदगी के वास्ते जो है उनको तैयार करो, बेशक रब का वादा है तुम जितना जिक्र करोगे, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, बस यही चल पाते थे। मैं तुमको आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, हमारे स्कूल में दीनी तालीम का मकसद यही है कि बच्चे को खुदा की जात से मुकम्मल तारुफ करा जाए, के खुदा के सिवा इज्जत और जिल्ला देने वाला कोई नहीं है, खुदा की एक जात है जो इज्जत देती है, जो जिल्ला देती है, जो मौत देती है, जो जिंदगी देती है। एक बार अल्लाह की जात के ऊपर बच्चे को कामिल यकीन हो गया तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा सकती नहीं, दुनिया की कोई ताकत उसे तकलीफ दे सकती नहीं। तो अपने बच्चों को दीन की तरफ ज्यादा से ज्यादा राग़िब कराओ, ईमान की रोशनी उनके सीनों में पैदा कराओ, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कराओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुन्नत तरीकों पर चलने की कोशिश कराओ, तो कामयाबी दुनिया भी सुधर जाएगी और आखिरत भी सुधर जाएगी। मुझे यकीन है कि आप सब मेरी बातों पर तवज्जो करोगे और अपने बच्चों को उनकी तालीम और तरबियत का सही तरीके से एहतमाम करोगे, और यहाँ पर जो है भीड़ भी ज़्यादा है, बच्चे भी उनका प्रोग्राम के लिए बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, जितनी भी माओ बहनों को बैठने के लिए तकलीफ हो रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उन बच्चों के लिए आप अपनी जगह का आप इंतज़ाम कर लें, खामोशी का खास ख्याल रखें, बच्चों की हौसला अफजाई करें, और बच्चों को जो है उनको उनका प्रोग्राम देखकर आने वाले मुस्तकबिल की दुआएं देते हुए आप अपने घरों को जाएं। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेती हूँ और यकीन रखती हूँ कि प्रोग्राम अच्छे से अच्छा अल्लाह ताला की रजा से मुकम्मल होगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, ऑल ओवर।